नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान, मैं हूं आपके साथ मेधा और मेरे साथ है शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रभारी सचिव अपने अपने जिलों के दो दिवसीय दौरे पर व्यवस्थाओं की कर रहे समीक्षा। ऊर्जा मंत्री ने जयपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर का किया आकस्मिक निरीक्षण, कहा शिकायतों का संवेदनशीलता से हो निराकरण। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने दिखाई सख्ती, दो कर्मचारियों को नोटिस, नॉन परफॉर्मिंग कार्मिकों को मिलेगी चार्जशीट। और हीट वेव एक्शन प्लान को लेकर जिला प्रभारी सचिव ने ली समीक्षा बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जिला प्रभारी सचिव अपने अपने जिलों में दो दिवसीय दौरा कर रहे हैं। पहले दिन जिला प्रभारियों ने जिलों में पेयजल की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था, हीटवेव और मौसमी बीमारियों के साथ साथ गौशाला और पशु पक्षियों के विभागों की ई फाइल डिस्पोजल समय को लेकर, लंबित भू हस्तांतरण, रात्रि चौपाल आयोजन, अवैध खनन, ड्रग्स, महिला अपराध की स्थिति, खाद्य पदार्थों में मिलावट और वर्षा जल संचयन के साथ साथ पौधरोपण की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी सचिव भानु प्रकाश एटरू ने कपासन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय और आसपास के क्षेत्र में पेयजल सप्लाई की जानकारी ली। वहीं राजसमंद जिले के प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले ने नाथद्वारा क्षेत्र में गौशाला, राजकीय गोवर्धन चिकित्सालय, सीएससी देलवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। सीकर जिले की प्रभारी सचिव श्रेया गुहा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। जैसलमेर जिले की प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ ने पोखरण के राजकीय चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। वहीं बारा, दौसा, टोंक, भरतपुर, पाली, डूंगरपुर, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, कोटपुतली, बहरोड सहित सभी जिलों के प्रभारी सचिव ने पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। इस बीच जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के मुताबिक पेयजल संवर्धन कार्य के लिए नियुक्त किए गए सभी संभाग और जिला प्रभारी अधिकारी 1 जून तक अपने अपने जिलों में विजिट पर है। उन्हें कम से कम एक दिन का रात्रि विश्राम भी करना होगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर शमित शर्मा ने बताया कि ये अधिकारी अपने अपने जिले में ग्रीष्मकाल में पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ समर कंटिजेंसी कार्यों का सुपरविजन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में जलदाय मंत्री ने जयपुर के गांधीनगर स्थित पीएचईडी कार्यालय के औचक निरीक्षण के बाद कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में संचालित नियंत्रण कक्षों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और साथ ही विभागीय अधिकारी आमजन के फोन को रिसीव कर शिकायत का निराकरण करें। इसी बीच ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निर्देश दिए हैं कि भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से निराकरण किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान संबंधी शिकायतें प्राप्त होते ही फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम जल्द से जल्द उपभोक्ता तक पहुंचे। श्री नागर ने जयपुर डिस्कॉम के केंद्रीकृत कॉल सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। वे बिना अग्रिम सूचना के रात में केंद्रीकृत कॉल सेंटर पहुंचे। वहां उन्होंने उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को बारीकी से देखा। ऊर्जा मंत्री ने वहां मौजूद कर्मचारियों को 24 घंटे कार्यरत इस कॉल सेंटर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों और उनके समाधान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान और अन्य तकनीकी शिकायतें उपभोक्ता टोल फ्री IVRS नंबर 1800180650507 और टेलीफोन नंबर 0141220300 IVRS 1912 पर शिकायत मैसेज दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर पर 19 मई से 27 मई तक प्राप्त हुई 1,48,840 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। सरकार की योजनाओं और आमजन के हित को पूरा करने में यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी लापरवाही बरते तो उन्हें कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा, ये कहना है स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत का। श्री रविकांत ने लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद तिजारा और फतेहपुर के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। उन्होंने VC में कहा कि यदि कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी और नॉन परफॉर्मिंग कार्मिकों को चार्जशीट और नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने
की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टी रविकांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी निकायों के अधिकारियों से बारी बारी से लंबित प्रकरणों के निस्तारण, ई फाइलिंग, राजस्व अर्जन और साफ सफाई से जुड़ी कार्यों की प्रगति जानी और 3 दिनों में अपने क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए टीमें गठित करने और पूरे कामों की सघन मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और हीट वेव से आमजन को राहत दिलाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी समन्वय स्थापित कर हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करें और इसका प्रभावी क्रियान्वयन भी करें। ये कहना है जयपुर के जिला प्रभारी सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक का। श्री आलोक ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी फील्ड में मुस्तैद रहें। बिजली, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभाग और प्राधिकरण समन्वय के साथ काम करें और आम जन तक हर संभव राहत पहुँचाएं। और अब सुनिए मौसम से जुड़ी जानकारी। 31 मई से 2 जून तक जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी बारिश की संभावना है, जिससे आमजन को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज होने की संभावना है। आपको बता दें कि राज्य के कुछ भागों में आगामी 48 घंटों में भीषण लू के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो सुजस पॉडकास्ट में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।